खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि यूपी के कौशाम्बी में घर के भीतर प्रेमी युगल का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रेमिका का शव जमीन पर खून से लथपथ पड़ा मिला और प्रेमी का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। आइए दिखाते हैं गणेश वर्मा की कौशाम्बी से यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में घर के भीतर प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रेमिका का शव जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था तो प्रेमी का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था। प्रेमिका के परिजन रिश्तेदारी में दावत गए थे। सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीणों को कुछ आशंका हुई। उन्होंने घटना की जानकारी प्रेमिका के परिजनों को दी। थोड़ी ही देर बाद प्रेमिका के परिजन घर पर पहुंच गए। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह से परिजन घर के भीतर गए तो दोनों का शव मिला। उन्होंने इसकी जानकारी चरवा पुलिस को दी। मौके पर चरवा पुलिस पहुंची। डबल मर्डर की जानकारी होते ही SP अभिनंदन कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। SP का कहना है कि घटना की छानबीन चल रही, जल्दी खुलासा भी किया जाएगा। और युवक का शव मिला है, क्या है पूरा मामला? सैयद सरावा का ये प्रकरण है जिसमें कि घर में एक युवती और एक युवक का शव मिला है। और जो युवक का शव है वो हैंगिंग के वक्त शव मिला था और युवती के ऊपर किसी हथियार से वार किया गया है। हम लोगों ने सभी लोगों ने सीन ऑफ क्राइम का एनालिसिस कर लिया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। आधार पर इन्वेस्टिगेशन क्या सर, इनकी हत्या ऐसा लग रहा है कि हत्या की गई है, ऐसा कुछ है क्या? आना की नहीं देखा देखिए, अभी सीन ऑफ क्राइम को देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। देख के लग रहा है कि ये कोई ऐसा आपस में एक दूसरे से परिचित थे, क्योंकि एंट्री भी जो है वो फ्रेंडली हुई है और ऐसा लगता था कि ये जान पहचान वाले थे और किसी बात को लेकर हॉट टॉक हुई है और ये चीज़ें होंगी। बाकी चीज़ों पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ